आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ में मचे गदर से। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आज जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियांबाजी। कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। तस्वीरें देख सकते हैं आप, बीजेपी कार्यकर्ता राज्य में बिजली की किल्लत और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो विधानसभा का घेराव करने आगे बढ़ रहे थे तब पहले पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। आप भी देखिए कैसे विधानसभा के पास की ये सड़क सियासत का अखाड़ा बन गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप देख रहे थे। बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम ये कार्यकर्ता ये लोग पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज बनी नहीं है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बिजली पानी की यहां पर दिक्कत होती है तो आखिरकार हमारी सुनेगा कौन। विधानसभा के बाहर ये महाभारत हुई है। हालांकि एक तरीके की सांकेतिक प्रदर्शन कहा गया था बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे तो पुलिस से पहले बैरिकेडिंग की। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ करके युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही बैरिकेडिंग हटा करके इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की वैसे ही पुलिस ने इन पर डंडे बरसा दिए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं झड़प हो चुकी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ विधानसभा के बाहर देख रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा उग्र हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और एक एक कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके ऑफिस में घुसकर पुलिस मार रही है। ये लाइव तस्वीरें आप बीजेपी ऑफिस के बाहर की है। हालांकि यहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए ये लाइव पिटाई बीजेपी ऑफिस के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की है। पुलिस बेरहमी से इन्हें पीट रही है। बहुत बहुत तकरीबन एक घंटे से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और किसी तरह से अपनी मांगे सरकार के खिलाफ यहां पर नारा लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को मौका मिला पुलिस ने इन्हें दबाया और लाठियों से एक एक नेताओं की जमकर धुनाई की है। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं कि खून इनके कुर्ते पर, आंसू गैस का गोला जो छोड़ा गया है उसका धुआं है जिसकी वजह से बोलना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पुलिस भारी तादाद में यहां पर इकट्ठा है और कोशिश कर रही है। देखिए पत्थर आ रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, पत्थर फेंके जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बचाव करें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं एक एक कर। अब बीजेपी ऑफिस के अंदर से देखिए पत्थर आना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं सड़क पर यह हंगामा बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अब पुलिस भी पत्थरबाजी कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दोनों मानने को तैयार नहीं है। ये लाइव आंसू गैस जो जवान छोड़ रहा है उसकी तस्वीरें हैं। बोलना बेहद मुश्किल। एक बार फिर पुलिस हमलावर हो गई है और पुलिस आगे बढ़। देख सकते हैं आप कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब प्रदर्शन किया तो इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी यह कहना है, यूपी में रहने वालों का भी यह कहना है कि यूपी में आखिरकार किस तरह का लोकतंत्र है। यहां पर अगर विरोध किया जाता है तो विरोध के बदले क्या इस तरह से डंडे और आंसू गैस छोड़े जाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे सीधे लखनऊ से लाइव मेरे साथ में जुड़े हैं। विपिन, सबसे पहले तो आपसे ही पूछना चाहूंगा, मैं देख रहा था जब रिपोर्ट आप दे रहे थे आपकी हालत काफी खराब थी हो गई थी, अभी फिलहाल आप सुरक्षित तो है ना? और दूसरा मुझे ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल क्या है? तस्वीरें चूंकि पीछे बयां कर रही है कि अभी भी हंगामा काफी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल राशिद, हम सुरक्षित हैं लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है खासकर इंडिया न्यूज के दर्शकों के प्रति, हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे और निभाएंगे भी। चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, चाहे पत्थरबाजी की जा रही थी, उस बीच से हम अपने दर्शकों को लगातार एक एक पल की रिपोर्ट दे रहे थे। और अगर फिलहाल की तस्वीरों की बात करें तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस गेट के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अभी भी अंदर मौजूद है। एक एक करके नारेबाजी हो रही है, रह रह के पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन पिछले 20 मिनट से पत्थरबाजी रुक गई है। पुलिसकर्मी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस गेट के अंदर
बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अभी भी अंदर मौजूद है। एक एक करके नारेबाजी हो रही है, रह रह के पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन पिछले 20 मिनट से पत्थरबाजी रुक गई है। पुलिसकर्मी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पत्थरबाजी को रोका जा सके, इन लोगों को शांत किया जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन अभी भी अंदर स्ट्रेटेजी बन रही है, कभी भी पत्थरबाजी हो सकती है। हमारे साथ लखनऊ के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है। सर ये बताइए कि इनका आरोप है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने हम पर पहले हमला किया है, क्या ऐसा है? ऐसा है कि इनका आरोप अब इनकी जो इनको उचित लग रहा है वो कह रहे हैं, किसने क्या किया है वो सभी कुछ आप लोगों के द्वारा भी देखा गया है और लोगों ने भी देखा है किसने क्या किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि उसने मुझे मेरी तरफ से बताने की आवश्यकता है कि किसने क्या किया है। यह अवश्य है कि जब इन्होंने पर्याप्त मौका देने के बाद रोकने, समझाने बुझाने, वाटर कैनन यूज करने के बाद भी जब ये हिंसा पे उतारू थे तो हल्का बल प्रयोग करके इनको खदेड़ा गया, उसके पश्चात इन्होंने जबरदस्त पथराव किया है जो आपने देखा है, तमाम मीडिया की गाड़ियां तोड़ी हैं, अन्य गाड़ियां तोड़ी हैं, आप लोगों को चोट आए, हमारे कर्मियों को तमाम चोटें आई हैं, वो सारे पत्थर इनके यहाँ से आए हैं। आप जानते हैं ये मेन हाईवे है, यहाँ एक पत्थर नहीं रहता है, सुबह शाम सफाई होती है। ये कहाँ से, ये क्यों करते हैं ये? और ये पहली बार नहीं, जब भी युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम किया है हर बार इन्होंने यही स्थिति पैदा की है। ये मैं भी बता रहा हूँ, आप मीडिया के हैं, आप हर बार कवर करते हैं, आप भी जानते हैं। सर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को चोटें आई है, बहुत सारे बीजेपी नेताओं को चोटें आई है, कितने लोगों को हिरासत में लिया है और आगे किस तरह की कार्रवाई आप लोग करने जा रहे हैं? आगे इसमें जो भी विधि कार्रवाई होगी सारी विधि कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अभी सर्वप्रथम तो ये है कि इस सिचुएशन को पहले डिफ्यूज करना है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोग इन्हें समझाने की कोशिश, मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको डर दिखाकर अंदर करने की? अब इनको हम लोगों ने कहा है कि अब ये खाली करें और जाएं, और ये जाना भी शुरू किए हैं, ये जाएं, अब इनको इनसे कोई और कहने का कुछ नहीं है, जो इनको कहना सुनना था वो सब कुछ कह सुन दिया गया। बीजेपी ऑफिस के अंदर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या ये जायज है? हालांकि इन्होंने जो किया है वो भी गलत है, हम ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर को उन्होंने शर्मसार करने की कोशिश की है। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आप बताइए जायज है कि नहीं। चलिए, ये वो वरिष्ठ पुलिसकर्मी है जो मौके पर तैनात थे और बहुत ही जोखिम लेकर यहाँ अभी भी खड़े हैं। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी बीजेपी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता है पीछे हटने को तैयार नहीं है, गेट के अंदर भरे हो लेकिन नारेबाजी सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ अभी भी जारी है, पीछे हटने को किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है और रह रहकर पत्थरबाजी भी हो रही है। हालांकि पिछले 20 मिनट से पत्थरबाजी थमी हुई है, पुलिस मनाने की कोशिश कर रही है, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, दर्जनों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, इसके साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, रोड को ब्लॉक करके रखा गया है, ईंटों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक है विपिन, आप रहिए, विपिन आप रहिए मेरे साथ में, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कई बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, उन्हें लेकर के अस्पताल जाया जा रहा है। ये भीड़ है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, विधानसभा तक पहुंचे थे, इनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में न तो कानून व्यवस्था है और न ही बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हमें मयसर हो पाती हैं। जब भी हम जाते हैं अकाउंटेबल अथॉरिटी के पास में या जो भी जवाबदेह है, अगर हम वहां पर जाते हैं हमें लाठी डंडे बरसाए हम पर जाते हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि लोकतंत्र में विरोध जो होता है लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है, लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि सबसे पहले पत्थरबाजी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, यानी कि अखिलेश की पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं इन लोगों को रोकने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार लोकतंत्र में विरोध का स्वर इस तरीके से दबाया जाएगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर देखिए। आज एक कील ठुक गई है और ये युवा कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंक कर ही दम लेगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिले की इकाइयों को निर्देशित कर रहा हूँ, कल दिन भर का बड़ा ताकतवर धरना और प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर होना चाहिए। और ये मैं पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ, लखनऊ पुलिस की इस बात के लिए निंदा करता हूँ कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के कार्यालय के भीतर पथराव और आंसू गैस के गोले छोड़े। हमने सबको चिन्हित कर लिया है,
हमारी मांग है कि इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और अगर जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में काम करेगा तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको शांति से नहीं बैठेगी और हर हालत में अब सपा सरकार को उखाड़कर ही दम लेगी। 100 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हैं, हम बिल्कुल चिंता नहीं करते इन घायलों की। इनका ये बलिदान और इनके खून की एक एक बूंद समाजवादी पार्टी की सरकार को परिवर्तित करके ही दम लेगी। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुन रहे थे आप। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का यह कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हैं, लेकिन बावजूद इसके हम चिंता नहीं करते क्योंकि खून की एक एक बूंद बलिदान है, बीजेपी के लिए बलिदान है, और ये बलिदान खाली नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार जड़ से उखड़ जाएगी। ये कहना लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह भी कहा कि लखनऊ पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर, हम उसकी निंदा करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय पर कल से बीजेपी का प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे मेरे साथ मौजूद है। विपिन, अभी बीजेपी युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता जो है वो कहां पर हैं, कितनी संख्या में है, इनका नेतृत्व तो कौन कर रहा है, और घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल राशिद, हम आपको तस्वीरों के साथ इस समय जो हाल है विधानसभा के बाहर इस रोड और खासकर बीजेपी ऑफिस के अंदर का उस नजारे को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी भी सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अंदर मौजूद है। बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच जो प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको भी हल्की फुल्की चोट लगने की खबर आ रही है। आप तादाद देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में अभी भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता अंदर मौजूद है, अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और जिस तरह का आज विरोध प्रदर्शन था, उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने इन पर हमला किया है, उसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऐलान कर दिया है, यानी ये बात यहीं थमने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में यूपी सरकार के खिलाफ और भी हिंसक होने वाली है बीजेपी, और इसको लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, जिलाध्यक्ष धरने पर बैठेंगे और आज जो कुछ भी विधानसभा के बाहर हुआ है उसका विरोध करेंगे। हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात है कि विरोध प्रदर्शन की लोकतंत्र में जगह है, लेकिन जो तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने यहां दिखाई है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि यहां पर इन्हें विरोध करने के लिए जगह दी गई थी। राशि, बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से विधानसभा, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, यानी मेरी बाईं तरफ जो जिस विधानसभा को आप देखते हैं, जहां इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, दर्जनों की तादाद में मंत्री, विधायक, एमएलसी अंदर मौजूद है, सभापति मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, उस पर पहले पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, फिर उनको मनाने की कोशिश की गई, उसके बाद जब वो नहीं माने और पत्थरबाजी लगातार जारी थी, उसके बाद पुलिस इन पर हमलावर हुई है। इनको समझाने के बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर लाठीचार्ज किया गया, और उससे भी बात नहीं बनी तो इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि किसी तरह से स्थिति नियंत्रण में आ सके। लेकिन रह रहे कि हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक एक एक पल की पहुंचाई है कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं थे, एक एक करके, चाहे वो मीडिया की गाड़ियां हो, मीडिया कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो, सबको वो निशाना बना रहे थे, और रह रहकर अंदर से बड़े बड़े ईंटों से पत्थरबाजी की जा रही थी, और न सिर्फ गेट के अंदर से बल्कि जिसको जहां जगह मिल रही। ठीक है विपिन चौबे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों में देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और लाठीचार्ज भी किया गया है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर। अभी अभी जिन दर्शकों ने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा ने बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं और कानून व्यवस्था, जो प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था है, उसे लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे।